शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वेद प्रकाश आर्य द्वारा अमित शाह पर अनर्गल वक्तव्य किया गया, उसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कड़े शब्दों में धर्मपाल मेश्राम ने आयोजित पत्र परिषद में टिप्पणी की है। महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता वेद प्रकाश आर्य ने तीखे शब्दों में गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की, जहां उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार के लिए कहा कि वे महाराष्ट्र पर बोझ है, परंतु सच्चाई यह है कि अमित शाह तो देश के लिए घातक और बोझ है। आज भारत का दुर्भाग्य है कि अमित शाह जैसा तड़ीपार देश का गृह मंत्री है। अमित शाह को न्यायालय ने 2 वर्षों के लिए तड़ीपार किया था और वह जेल भी गए थे। ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि भारत के प्रख्यात पत्रकार और शोधकर्ता निरंजन टकले ने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है कि जस्टिस लोढ़ा हत्याकांड में गृह मंत्री अमित शाह के हाथ लाल है। इसे वक्तव्य का निषेध करते हुए तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता धर्मपाल मेश्राम ने कहा कि जनता ने शरद पवार की काली राजनीति देखी है। जी पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते माजी नगरसेवक वेद प्रकाश आर्य यांनी ज्या पद्धतीचे अनर्गल आणि बेताल आरोप आमचे आदरणीय नेते अमितभाई शहा यांच्यावर करताना ज्या पद्धतीची भाषा वापरली त्या सगळ्या विषयांच्या संदर्भाने मी अत्यंत कटु शब्दात आपली प्रतिक्रिया नोंदवताना हे सांगू इच्छितो आणि पुनश्च अधोरेखित करू इच्छितो की होय, अमित शहा साहेब जे बोलले ते खरं आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार गटाचे अध्यक्ष असलेले शरद पवार साहेब हे मागच्या अर्धशतकापेक्षाही जास्त कालावधीत या महाराष्ट्रावरचं ओझं आहेत। ते ह्या अर्थानं आहेत की कालपर्यंत हे विषय महाराष्ट्रातल्या जनतेनं ज्या पद्धतीनं लादल्या गेली त्यांच्यावरती, आज 2014 पासून महाराष्ट्रातल्या त्याच जनतेनं देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करताना शरद पवारांचं काळकुट्ट राजकारण, अनैतिक पद्धतीचं राजकारण, गुन्हेगारांना हाताशी धरून राज्य आपलं पसरवण्याचं राजकारण उलटून टाकलं आणि देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत भारतीय जनता पक्षाचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये स्थापन झालं। 1990-93 पासूनचा जर आपण कार्यकाळ पाहिला शरद पवारांचा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।